हेलो गाइस, वेलकम टू माय टेक्निकल अजमी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीवो के Y27 फोन के इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के बारे में। अगर आपके पास वीवो का Y27 फोन है, आप लोग यूज कर रहे हो, अगर आपके फोन में कोई भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन नहीं है, फिर भी आप लोग लगा सकते हो। एंड कैसे लगाना है मैं आप लोग को इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। कुछ इस प्रकार का आप लोग को इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, इस तरीके का फिंगरप्रिंट एनिमेशन है एंड इस तरीके का आप लोग को मिल जाएगा फिंगरप्रिंट लॉक। तो आप लोग अपने फोन में लगा सकते हो वीवो के Y27 फोन में। एंड कैसे लगाना है मैं इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर लेना, एंड इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप लोग फॉलो कर लेना। तो चलते हैं स्क्रीन पे और आप लोग को चल के बता देते हैं। तो फाइनली दोस्तों, साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा रखा है, आप लोग को दिखाता हूं यहां पर अपने फोन को लॉक करके। तो मैंने आप लोग को शुरू में दिखाया था, जो कि यहां पर आप लोग को डेमो दिखा दिया एंड आप लोग को लगाने के बारे में बताऊंगा, एंड कुछ इस प्रकार का आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन मिल जाता है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो, मैंने एनिमेशन को एंड फिंगरप्रिंट लॉक को लगा रखा है, इस तरीके का काम कर रहा है। एंड इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा फोन तुरंत अनलॉक हो जाएगा, आप लोग को दिखा देता हूं। तो तुरंत अनलॉक हो जाता है। तो फाइनली इस तरीके से फिंगरप्रिंट एनिमेशन काम करता है। तो फाइनली लगाना कैसे आप लोग को अपने वीवो के Y27 फोन में, मैं आप लोग को चलता हूं अपने फोन के स्क्रीन पे बता देता हूं। तो फाइनली मैंने अपने फोन के स्क्रीन पे आ चुका हूं, एंड उसके लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो प्ले स्टोर के अंदर आप लोग को आ जाना है एंड यहां पर आपको लिखना है फिंगरप्रिंट एनिमेशन, तो आपको ये वाला एप्लीकेशन मिल जाएगा, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से डाउनलोड किया था, तो मैंने इसे अनइंस्टॉल करके फिर से आगे का प्रोसेस आपको बताता हूं कैसे आपको सेट करना है। तो मैं यहां पर अनइंस्टॉल कर लिया। जैसे मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, उसके बाद मैं डाउनलोड पे लगा देता हूं एंड ये मेरे फोन में डाउनलोड हो रहा है। आप जब तक मेरे फोन में डाउनलोड हो रहा है, 25 MB का है, तब तक मैं यहां पर आप लोग को कुछ इसका रेटिंग बताता हूं। तो 1 मिलियन डाउनलोडिंग है, अच्छी खासी ऐप की रेटिंग है और वर्किंग है। मैं खुद अपने फोन में यूज करता हूं एंड जिस फोन में मेरे फोन वीवो का B25 फोन है, एंड वीवो का दोस्तों यहां पर मिल जाता है वीवो का B25, B23 एंड यहां पर आपको मिल जाते हैं कुछ और भी फोन है। तो दोस्तों, इन सभी फोनों में मैं यूज करता हूं। अगर आपके पास वीवो का Y27 फोन है एंड इसमें भी आप लोग यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, यहां पर क्या होगा, मेरे फोन में ये डाउनलोड हो चुका है एंड मैं करता हूं इसे ओपन। जैसे मैं इसे ओपन करता हूं तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। उसके बाद दोस्तों, यहां पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा स्टार्ट का ऑप्शन, तो गेट स्टार्ट वाला ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। तो आपको गेट स्टार्ट पर क्लिक करके एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐड आएगा, तो ऐड को आपको स्किप कर लेना है। तो यहां से स्किप करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का थीम्स आएंगे, तो आपको यहां पर अप्लाई कैसे करना है, यूज कैसे करना है, मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर आपको ढेर सारे एनिमेशन मिलते हैं, तो मैं ये वाला एनिमेशन को अप्लाई करने वाला हूं। ये एनिमेशन आपको देखने में इंटरेस्टिंग लगेगा एंड अपने फोन में आप लोग यूज कर सकते हो एंड ये फिंगरप्रिंट को आप लोग लगा सकते हो। तो इसके साइज को सेंटर में करना है, तो आपको सेंटर में लाना है और साइज थोड़ा बड़ा कर लेना या छोटा कर लेना। तो आपको फिर यहां पर अगर साइज अच्छा नहीं लगता तो आप थोड़ा बड़ा भी कर लेते हो, अच्छा कर सकते हो, एंड अगर आपको छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हो। फिर आपको मिल जाता है यहां पर बैकग्राउंड को सेट करना चाहते हो, अगर आप लोग अपना खुद का फोटो को लगाना चाहते हो तो यहां पर आप लोग को खुद का फोटो लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। खुद का फोटो लगाने के लिए आपको यहां पर क्लिक करना है और यहां से आप लोग खुद का फोटो बैकग्राउंड पे ऐड को चलाकर ऐड यहां पर आप लोग चलाओगे तो आपको एक खुद का फोटो लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो ऐड को चलाना है 30 सेकेंड, ऐड 30 सेकेंड को आपको यहां पर चलाने के बाद आप लोग अपना खुद का फोटो भी लगा सकते हो अपने लॉक स्क्रीन पे। तो मैं यहां पर 30 सेकंड वेट करने वाला हूं एंड फिर आपको आगे का प्रोसेस बताने वाला हूं। तो 30 सेकंड यहां पर मैं वेट कर लेता हूं। तो फाइनली दोस्तों, जो कि ऐड खत्म हो चुका, मैं यहां पर स्किप कर लेता हूं एंड स्किप करने के बाद दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। एक आपको कैमरा का, एक आपको गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा। तो गैलरी पे जाओगे एंड यहां पर आपको अपने फोटोज को सेट करना है। अगर आप लोग अपने गैलरी में फोटोज को रख रखे हो, इस तरीके से आप लोग को डायल करना है और गैलरी आपको यहां पर मिल जाते हैं। तो अगर आपने अपने गैलरी के अंदर अपना खुद का फोटो को रख रखे हो तो आप लोग अपना खुद का फोटो भी लगा सकते हो एंड अगर आप लोग को कोई भी इमेज है तो इमेज भी लगा सकते हो। मैंने यहां पर अपना खुद का फोटो लगाने वाला हूं, तो ये फोटोस है, यहां पर सेट करके दिखाता हूं। सेट कर लिया मैंने, यहां पर इस तरीके से सेट हो जाता है। अब करेंगे हम सेव कंटिन्यू पे क्लिक एंड सेव कंटिन्यू पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐड आएगा। तो ऐड को आपको स्किप करना पड़ेगा, मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कैसे आपको करना है। तो दोस्तों, यहां पर ये आपको पास कुछ समय लगेगा, उसके बाद आपके पास ऐड आएगा, ऐड को आपको स्किप कर लेना है यहां से।
उसके बाद आपको मिल जाएगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन, अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना एंड फिर अलाउ पे क्लिक करके उसके बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। फिर नीचे आपको अप्लाई पे क्लिक करना एंड उसके बाद आपको सेट लॉक स्क्रीन एंड बैकअप, तो दोस्तों यहां पर आपको क्लिक करने के बाद आपका ये सेट हो जाएगा। अब दोस्तों यहां पर मैंने सेट कर लिया, उसके बाद हम करते हैं होम स्क्रीन पे आते हैं एंड इस तरीके का आपको होम स्क्रीन मिल जाएगा एंड लॉक करोगे फोन को एंड यहां पर देखोगे तो आपको फिंगरप्रिंट एनिमेशन कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। तो दोस्तों यहां पर फिंगरप्रिंट एनिमेशन कुछ इस तरीके का मिल जाएगा एंड मैंने लॉक करके यहां पर फोन को दिखा देता हूं, यहां पर देख सकते हो मैं यहां पर क्लिक करूंगा एंड यहां पर मेरा फोन अनलॉक हो जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग इसे शोपीस में भी यूज कर सकते हो एंड आप लोग को कुछ इससे अनलॉक वगैरह नहीं होता फोन एंड आप लोग अपने फोन में एनिमेशन के तौर पे यूज कर सकते हो, अपने दोस्तों को दिखा सकते हो कि मेरे फोन में कुछ फिंगरप्रिंट का ऑप्शन काम कर रहा है एंड मैं अपने फोन में इसे यूज कर सकता हूं एंड मेरे फोन में फिंगरप्रिंट काम कर रहा है एंड आप लोग दिखा सकते हो। अगर आप लोग को इससे भी बढ़िया बढ़िया एनिमेशन चाहिए तो आप लोग को यहां पर आना है और यहां पर क्लिक करके बैग हो जाना है और यहां पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, इसके अंदर आप लोग को एनिमेशन ढेर सारे मिल जाते हैं, ढेर सारे फिंगरप्रिंट एनिमेशन, फिंगरप्रिंट लॉक वाला मिल जाते हैं, तो आप लोग इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। आप लोग को एनिमेशन पे क्लिक करके आना है और यहां पर देखोगे तो आप लोग को ढेर सारे मिल जाते हैं। तो दोस्तों यही है कि दोस्तों अगर आप लोग अपने फोन में फिंगरप्रिंट लॉक को यूज करना चाहते हो, अगर आप लोग को अच्छा लगता है लॉक यूज करना तो आप लोग इनमें से ढेर सारे डाउनलोड करो एंड यूज कर सकते हो। अब यहां पर देखोगे तो ये वाला भी यूज करने का ऑप्शन मिल जाता है, यहां पर आप अगर आप लोग को बैकग्राउंड में अपना फोटो लगाना है तो बैकग्राउंड में फोटो भी लगा सकते हो, अगर आप लोग को लगाना है फोटो नहीं लगाना है तो आप लोग को क्या करना है सिर्फ एनिमेशन को यूज कर सकते हो, एनिमेशन आप लोग को यूज करने का ऑप्शन मिल जाता है और यहां से आप लोग कट करोगे एंड एनिमेशन आपको मिल जाता है। यहां पर एनिमेशन को अप्लाई करोगे यहां से, अब अप्लाई करने के बाद आपके पास इस तरीके का इंटरफेस होगा कि आपके फोन में अप्लाई होते ही आपके पास एक ऐड आ जाता है, तो ऐड को आपको स्किप कर लेना है यहां से और स्किप करने के बाद आपको यहां पर अप्लाई नाउ पे क्लिक करना, ओके पे क्लिक करके एंड सक्सेसफुल ये सेट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों यहां पर क्या होता है कि आपका जब ये सेट हो जाएगा तो आप लोग अपने फोन में लॉक करोगे फोन को एंड यहां पर एनिमेशन आपको मिल जाएगा। तो एनिमेशन इस तरीके का आपको मिलता है कि देखने में भी इंटरेस्टिंग लगता है एंड अपने फोन में आप लोग Vivo के Y27 फोन में आप लोग इसे यूज भी कर सकते हो, इंस्टेंटली आप लोग अपने दोस्तों को दिखा सकते हो एंड आप अपने दोस्तों को दिखा सकते हो कि मेरे फोन में फिंगरप्रिंट लगा हुआ है एंड मैं फिंगरप्रिंट को यूज कर सकता हूं, ताकि आप लोग का दोस्त देखकर चौंक जाए एंड आपसे पूछे ये कहां से आपने लगाया है। तो फाइनली आप लोग इसे दिखाने के लिए यूज कर सकते हो, आपका इससे कोई फोन वगैरह अनलॉक नहीं होता, तो फाइनली आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतने, आज भी अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के एंड प्रेस करना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे